अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं पंजाबी मसाला मट्ठी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को टी टाइम में भी शामिल कर सकते हैं और ये काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। तो चलें फिर हम बनाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद आपको ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो एक बर्तन में हमने हाफ कप सूजी ऐड कर दी है, हाफ कप बेसन ऐड कर दिया है, 2 कप हमने मैदा ऐड किया है और हमने हाफ कप ऐड किया है गेहूं का आटा। तो आटा, बेसन, सूजी वगैरह हमने सभी कुछ इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अलावा हम मसालों में देख लेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून हमने कुटी हुई सौंफ ली है, तो आपको यहाँ पर कुटी हुई सौंफ यूज करना है, कुटा हुआ जीरा लिया है हमने 1/2 टीस्पून, कुटी हुई धनिया लिया है हमने 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हमने लिया है कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून लिया है अमचूर पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे आटे में। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे 5 टेबलस्पून घी या फिर रिफाइन ऑयल। तो मसालों को आटे में ऐड करने के बाद हम स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो 5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, रिफाइन ऑयल, ताकि हमारी मट्ठी क्रिस्पी बने। और इस डो को तैयार करने के बाद आप किसी भी शेप में मट्ठी बना सकते हैं, लेकिन मैं राउंड शेप में बनाऊंगी। आप चाहे तो नमक पारे का भी शेप दे सकते हैं या फिर काजू का भी शेप दे सकते हैं, आपको जो पसंद। तो तेल हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हम स्पून को अलग कर देंगे और हाथों से मिलाना शुरू करेंगे। तो ऑयल को आटे में इतने अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कि ये बाइंड होने लग जाए। तो बस इसी तरह से हम हाथों की हेल्प से आटे को और ऑयल को मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए आप, ये अच्छे से बाइंड होने लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक डो बना लेंगे। यहाँ पर हमें सख्त डो बनाना है, सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। अगर हम सॉफ्ट डो बनाएंगे तो हमारी मट्ठी क्रिस्पी नहीं बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारा डो सख्त रहे। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और डो तैयार कर लेंगे। तो इतना डो बनाने में मुझे 1/2 कप पानी लगा है। तो देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। 15 मिनट के लिए हमने अपने डो को रेस्ट पर रखा था, अब हम बनाएंगे मट्ठी। तो हम छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेंगे मट्ठी बनाने के लिए और फिर इन्हें पेड़े का शेप देंगे और इस तरह से फ्लैट कर देंगे। ये देखें आप चाहें तो बेलन चला सकते हैं। डो तैयार करने के लिए रूम टेम्परेचर वाला पानी मैंने ऐड किया है, गुनगुना पानी नहीं ऐड किया है। तो देखें इस तरह से हमने बना लिया है। तो आप चाहें बेलन चलाएं, लेकिन मुझे बेलन चलाना नहीं पसंद है, मट्ठियों को इसी तरह से तैयार करना पसंद है। बाकी की भी मट्ठी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे, फिर फ्राई करेंगे। तो ये देखें हमारी सभी मट्ठी रेडी हो गई है फ्राई करने के लिए। तेल हमने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हमने मट्ठी फ्राई कर ली अपनी ऑयल में, पहले हमने फुल फ्लेम रखा था, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई किया है। तो कलर देखें कितना अच्छा आया है। इसी तरह से जब कलर आ जाएगा तो हम अपनी मट्ठी को ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो मैंने एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लिया है अपनी मट्ठी को। बाकी की भी मट्ठी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। पहले हमें फ्लेम हाई रखना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है और फिर जब इनका कलर अच्छा आ जाएगा तो हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये मट्ठी भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी मट्ठी घर पर बनकर तैयार है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।